आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, जब दो एलिमेंट्स आपके दो या दो से अधिक क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, तो द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर। नेक्स्ट ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम एक एलिमेंट का मास क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो जो दूसरा एलिमेंट रह जाएगा उसका अगर हम मास का रेशो निकालें डिफरेंट कंपाउंड्स में, तो वो कैसा आएगा, सिंपल आएगा। इसको हम अभी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ठीक है। इन्होंने देखो दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। N2O में जो नाइट्रोजन का जो मास है वो है 28, NO में 14, N2O3 में 28, फिर 28 और N2O5 में भी कितना है, 28 ही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो मास है इन डिफरेंट कंपाउंड्स वो कितना है, 16, इसमें 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो 48 हो जाएगा, इसमें 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं 64 हो जाएगा, और इसमें 5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा ये, 80। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, अगर हम एक एलिमेंट का मास क्या कर दें, फिक्स कर दें। यहाँ पर देखिए ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है और ये भी 28 है, ये 14 है, तो इसको भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि ये सब इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर मैं NO के N को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो O को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से। आप देखिए जो नाइट्रोजन का मास है वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनमें किसका रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन के मास का, ठीक है। तो आप देखिए कितना है ये, 16, 32 हो जाएगा, 48, 64 और ये कितना हो गया, 80। तो जब मैं अगर इनमें रेशियो निकालूंगा तो कितना आ रहा, देखिए 1:2:3:4:5, ये 16 पे कट रहे हैं सभी के सभी, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया है ये क्या आया है आपका, इट इज़ सिंपल रेशियो, यही ये ला कहना चाहता है।